अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह अपने यूट्यूब चैनल पर बगैर वीडियो अपलोड किए बगैर अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो अपने चैनल पर रेगुलर वर्क नहीं कर पाते। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा यूनिक कंटेंट आपको कोई भी दूसरा चैनल प्रोवाइड नहीं करता। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि बगैर वीडियो अपलोड किए बगैर चैनल को ग्रो करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं। तो जो मैं तरीकाकार बताने लगा हूँ इसको अप्लाई करने के लिए आपके चैनल पर कम्युनिटी टैब या इसके अलावा स्टोरी मोड इनेबल होना चाहिए। जी हाँ, आपके चैनल पर कम्युनिटी टैब और इसके अलावा स्टोरी मोड का फीचर इनेबल होगा तो ये तभी मेथड वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको बताता चाहूँ कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं या किसी और मसरूफियात की वजह से रेगुलर अपने चैनल पर काम नहीं कर पाते, तो इन्हीं वजूहत की वजह से उनका जो चैनल है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अक्सर चैनल तो मैंने यहाँ पर देखे हैं कि वो फ्रीज हो जाते हैं और आपके हज़ारों सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी आपके जो चैनल पर व्यूज़ की तादाद है वो बहुत कम आती है। और फ्रेंड, जब आप अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते तो जो आपके पहले सब्सक्राइबर होते हैं वो भी आस्ता आस्ता आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर अगर वो आपका चैनल नहीं भी छोड़ते फिर भी जब आप वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं करते तो वो आपको आपके चैनल को वैसे ही भूल जाते हैं। और फ्रेंड, जब आप कभी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपकी वीडियोज़ वगैरह नहीं बात करते। तो फ्रेंड, जहाँ पर इस कंडीशन में हम कम्युनिटी टैब और स्टोरी टैब के ज़रिए जो अपनी ऑडियंस है उसे अपने चैनल पर बाउंड किए रखेंगे और इसके अलावा जो नई भी ऑडियंस है वो भी अपने चैनल पर लेकर आएंगे और बगैर वीडियो अपलोड किए अपने चैनल की जो ग्रोथ है वो पहले की नस्बत ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में हमारा जो कम्युनिटी टैब का फीचर है और जो दूसरा स्टोरी टैब का फीचर है वो काम आएगा। हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि आप अगर रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाते तो आपने सिर्फ अपनी जो कम्युनिटी टैब है उसमें आपने पोस्ट वगैरह कर दिया करनी है ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको भूल ना पाए और आपके चैनल पर ही एक्टिव रहे। तो इससे फ्रेंड ये होगा कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियो होंगी जिन पर व्यूज़ वगैरह नहीं होंगे इतने ज़्यादा, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आपकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उन्हें कम्युनिटी टैब में शेयर करके अपनी ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ पर आपकी ऑडियंस में से बहुत से ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपकी पोस्ट देखकर आपकी जो पुरानी वीडियो है उन्हें देखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके साथ साथ फ्रेंड, जहाँ पर आप अपनी ऑडियंस से पोल के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर कैसी वीडियोज़ पसंद हैं। इसके अलावा अगर आप पोल वगैरह नहीं भी करते तो इसके अलावा आप अपनी कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करके किसी इवेंट से रिलेटेड या अपनी किसी वीडियो से रिलेटेड साथ लिंक पेस्ट कर दें, इस तरह करके जो आपके चैनल की ग्रोथ है वो हमेशा चलती रहेगी और जो आपके पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो आपके चैनल पर रहेंगे ही, उसके साथ साथ जो नई ऑडियंस है वो भी आपके चैनल पर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका जो चैनल है वो फ्रीज नहीं होगा और आपके जो चैनल की ग्रोथ है वो हमेशा पहले की नस्बत ज़्यादा होती जाएगी। और यहाँ पर लास्ट में उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा मेथड पसंद आया होगा, ये मैंने आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, क्योंकि मेरे साथ भी यही सेम कंडीशन थी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था और जो मेरी पुरानी ऑडियंस होती थी वो भी आस्ता आस्ता चैनल को छोड़ जाती थी। इसके अलावा इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी जो व्यूज़ की तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम आना स्टार्ट हो गई थी और जब से मैंने ये वाला मेथड अपनाना स्टार्ट किया है तो जो मेरी ऑडियंस है, पुरानी तो मेरे चैनल पर है ही, उसके साथ साथ जो नई ऑडियंस है वो भी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो आप भी इस वाले मेथड पर अमल करके अपनी जो चैनल की ग्रोथ है उसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड, मुझे इजाज़त, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।